السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حامدا ومصليا ما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه وماواه النار وما للظالمين من انصار

और अजीम श्शाम पैगम्बर थे लेकिन इसके बावजूद कयामत के दिन उनका जो बाप होगा आज़र वो जहन्नम के अंदर दाखिल होगा और इसकी तफसील सखारी की रवायत के अंदर मौजूद है अबू हुररा रज़ील अन्हु से रवायत है वह बयान करते हैं कि मोहम्मद रसूल सल्ला वसलम ने फरमाया कि कयामत के दिन इब्राहिम सलाम जब अपने बाप आज़र से मुलाकात करेंगे तो उनका चेहरा गर्द गुबार और स्याही से अटा होगा इब्राहिम सलाम के बाप के चेहरे पर स्याही छाई होगी गर्द गुबार छाया होगा उनके चेहरे पर ऐसे मौके पर इब्राहिम सलाम कहेंगे ए अब्बू जान क्या मैंने दुनिया में आपको नहीं कहा था कि मेरी नाफरमानी मत कीजिए मैंने दुनिया में आपको नहीं समझाया था कि मेरी नाफरमानी मत कीजिए वो आजर जो इब्राहिम को संसार करने की धमकी दे रहा था घर से बेघर कर रहा था कयामत के दिन वो लाइन पर आएगा और कहेगा ए बेटे आज मैं तेरी नाफरमानी नहीं करूंगा दुनिया में नाफरमानी कयामत के दिन क्या कहेगा आजर कि अ बेटे लसी का अलियोम आज मैं तेरी नाफरमानी नहीं करूंगा उसके बाद इब्राहिम अल्लाह ताला से कहेंगे रब्बुल रब्बुलमीन तूने दुनिया में मुझे ये खुशखबरी सुनाई थी और मैंने तुझसे दुआ भी किया था कि परवरदिगार तू कयामत के दिन मुझे रसुआ ना करना तूने मुझसे वादा किया था कि अब्राहिम मैं तुझे कयामत के दिन रसुआ नहीं होने दूंगा अयरब आलमीन आज इससे बड़ी मेरे लिए रुसवाई की और क्या बात होगी कि मेरा ही बाप तेरी रहमत से दूर है मेरा ही बाप तेरी जन्नत से दूर है तेरी रहमत से दूर है अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाएगा जवाब में इन्नी हर्रम तुल जन्नत आलकाफरी मैंने जन्नत को काफिरों पर हराम करार दिया है उसके बाद अल्लाह आलमीन इब्राहिम से कहेगा अपने पैरों के दरमियान तो देखो इब्राहिम अपने दोनों पैरों के दरमियान देखेंगे एक जबाह किया जानवर खून में लथपथ पड़ा होगा फिर उसकी टांगों को पकड़कर उसे जहन्नम के अंदर डाल दिया जाएगा मेरे भाई गौर कीजिए ये किसके बाप का अंजाम है उस रसूल और उस खलील के बाप का अंजाम है जिसने दुनिया में तोहद को आम करने के लिए अपना सब कुछ लुटा दिया सब कुछ कुर्बान कर दिया जिनकी दावत को कबूल करके बहुत सारे लोग तोहेद परस्त बनकर के जन्नत के अंदर दाखिल हो जाए इस हदीस से सबसे पहली बात यह मालूम हुई कि कयामत के दिन अगर कोई शख्स दुनिया में शिरक पर मर गया है तो जन्नत में कभी दाखिल नहीं हो सकता चाहे वो पैगंबर का बाप हो जैसे कि आजर चाहे वो पैगंबर का बेटा हो जैसे नूह का बेटा कनान चाहे वो पैगंबर की बीवी हो जैसे नूह और लूत की बीवियों का तस्करा ला ने कुरान में किया दूसरी बात इस हदीस से मालूम हुई कि हम तमाम मुसलमानों को सबसे पहले अपने अकीदे तोहेद की इस्लाह करनी चाहिए अपनी इबादतों से पहले नमाजों से पहले सदकत खैराज से पहले कुरान की तिलावत से पहले क्योंकि अगर तोहेद में खलल वाक हुआ और कहीं शिर अकबर पर कोई मर गया के दिन किसी बुजुर्ग की सिफारिश काम आएगी न किसी न किसी फरिश्ते हैं भरोसा किए हुए हैं न तोहद को समझते हैं न तोहद की अहमियत को समझते हैं ना अल्लाह रबीन की मार्फत हासिल करने की कोशिश करते हैं ना अल्लाह की इबादत करते हैं तो हम सबकी जिम्मेदारी है कि तोहीद को समझें, अपने बच्चों को तोहीद की तालीम दे उनके अकीदे की इसलाह करें और तीसरी बात यह मालूम हुई कि इब्राहिम को जब अल्लाह दुनिया के अंदर ही मना कर दिया था कि अपने मुशरिक बाप के हक में मख्त की दुआ नहीं कर सकते और इब्राहिम बाज आ गए थे तो आखिर कयामत के दिन इस तरह की बात क्यों करेंगे कुरान में जिक्र है बाकायदा कि अल्लाह ने जब मना कर दिया कि इब्राहिम तुम्हारा बाप जो आजर है अल्लाह का दुश्मन है उसके हक में दुआ मगफिरत ना कीजिए इब्राहिम अली सलाम बाज आ गए लेकिन क्यामत के दिन फिर ऐसी बात क्यों करेंगे अल्लाह ताला से उसका सबब यह होगा कि कयामत के दिन इब्राहिम असलाम चूंकि बड़े रहम दिल थे बड़े नरम दिल थे क्यामत के दिन अपने बाप को देखेंगे चेहरे पे स्याही छाई है गर्द से चेहरा हटा हुआ है ऐसे मौके पर बाप की मोहब्बत गाली आ जाएगी बाप की मोहब्बत का जज्बा उनके दिल के अंदर जाग जाएगा और वो पुरानी बात भूल जाएंगे और कहेंगे अल्लाह तू रुसवा क्यों कर रहा है मुझे अल्लाह तो कयामत के दिन तूने वादा किया था मुझे रुसवा नहीं करेगा आज इससे बड़ी रसवाई क्या होगी इब्राहिम जैसे पैगंबर का बाप जहन्नम के अंदर डाल दिया जाएगा अल्लाह और चौथी बात यह मालूम हुई कि कयामत के दिन बड़े बड़े कुफार और मुशिकीन भी जब जहन्नम के अजाब को देखेंगे जहन्नम के चिंगार को सुनेंगे उनके पित्ते पानी हो जाएंगे सारे के सारे लोग कहेंगे रब्बना अब सरना वा अरे परवरदिगार हमने देख लिया व समेना व सुन लिया फर्जाना नाल सवाल अबीन हमको दुनिया में एक बार दोबारा भेज दे मौका दे दे ना सालिहा नेक अमल करेंगे इन नामोकिन हम ईमान लाने वाले हो गए रखने वाले होंगे लेकिन आखिरत में पहुंचने के बाद दुनिया की तरफ वापसी नहीं होगी जैसा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया वजी एम बी कयामत के दिन जहन्नम लोगों के सामने हाजिर कर दी जाएगी खास तौर से मुजरिमों के सामने और उसके बाद ये उम्मीदी इंसान क़यामत के दिन बहुत सारे मुशरिक लोग कुफार और ालिम लोग भी नसीहत हासिल करेंगे लेकिन उस दिन की नसीहत हासिल करने से कुछ फायदा नहीं होगा अल्लाह से दुआ है कि रब्बुल आलमीन हम सब मुसलमानों को इस वाक़े से नसीहत हासिल करने की तोफ़ी अदा फरमा कि हम सब इस दुनिया के अंदर सही मानों में अकीद तोहेद को समझें अपने अकीदे की असलाह करें और महम्मदर रसोल्ला सल असलम के तरीक़े के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें रब्बुलमिन हम सबको माहिरदेद बना हकीकी मानों में हम सबको ईमान की दौलत नसीब फरमा और महम्मद रसोल्ला सल वसलम के तरीके के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तोफ़ी फरमा ईमान के साथ मौत नसीब फरमा अमीन व सल्नबी करीम्स वरहमल वर्क ऐसे ही फ़ायदेमंद इस्लामिक वीडियोस देखने और मनहज सलफ़ पर किताब सुन्नत की तालीमत को आम करने में हमारा ताउन करें ताकि आपके लिए जरिया नजात जन्नत के हसूल का सबब साथ ही माल में बरकत व इजाफे का ज़रिया भी बने आमीन खैरन